तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। अब दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि ये गेम प्ले तुम्हारी सांसें निकाल देगा भाई। पहले बोल रहा हूँ, लाइक करना भूल जाओगे तो इस वजह से पहले ही लाइक कर लो, क्योंकि इसके बाद तुमको टाइम नहीं मिलने वाला। तो शुरुआत हुई थी हमारी कुछ ऐसी कि हम उतरे थे बड़े वाले जॉम्बी के घर पे, और यहाँ पर जितने भी बंदे थे उन सबको मैं खाऊंगा, क्योंकि मेरे को भूख बहुत तेज लगी, खाना मैंने खाया नहीं है। अब शुरुआत हुई इन भाई साहब से, बोनी इन्होंने करा दी थी। लेकिन तुम देख सकते हो कि मैं ज्यादा मूवमेंट कर नहीं रहा हूं, क्योंकि इस टाइम मेरे हेडफोन्स में हर तरफ से फुटस्टेप आ रहे, तो मैं चुपचाप बैठा था, वेट कर रहा था। अब सामने रामपुरिया चाकू चल रहा था, तो मैंने मौके का फायदा उठा के इस बंदे को नॉक कर दिया। अब वो दोनों किल मैं उठा लूंगा, लेकिन पहले अंदर जो भसड़ है उसको तो समेट दूं। अब मारे से ये मत पूछना कि इधर मैं बचा कैसे, बस मुझे इतना पता है कि 3 किल मेरे हैं। अब जहां तक मेरी गणित बोल रही थी, मैंने 3 नॉक करे थे, शायद मेरा 1 नॉक चोरी हो गया था, लेकिन 2 नॉक मेरे बाहर पड़े हुए हैं जिनको मैं चोरी नहीं होने दूंगा। अब जहां तक मुझे लगता है, ये जो 2 नॉक मैंने फिनिश करे, इसमें से 1 नॉक मेरा तो नहीं था, तो कुल मिला के हमारा जो किल चोरी हुआ है उसको मैंने बैलेंस कर लिया था। लेकिन भाई 4 किल कुछ नहीं होते गेम प्ले बनाने के लिए, कम से कम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करो तब कुछ बात बने। अब 40 किल तो एक सपना है जिसे देखना थोड़ा सा मना है, लेकिन काम हम बराबर कर रहे थे, क्योंकि 2 किल और निकाल दिए, 6 किल हो गए थे। 40 किल से अभी 34 किल दूर है, बहुत लंबा सफर है, लेकिन जिस हिसाब से हमारे आसपास फायरिंग हो रही है और स्क्वाड पे स्क्वाड ढुली आ रही है, अगर मरा नहीं तो 50 भी कर सकता हूं। अब इनकी चमड़ी कुछ ज्यादा ही मोटी थी, क्योंकि हमारे ऊपर ये चढ़े ही आ रहे थे, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि गेंडा तो मैं हूं। तो मैंने इनके टीममेट को धरा, फिनिश करा। अब दुश्मनी हो गई थी पर्सनल, उनको चाहिए था बदला, मुझे चाहिए थे किल, मतलब दोनों तरफ से बराबर का मामला था। अब ग्रेनेड डाला, खबर आई, 1 बंदा फिनिश। अब मैं तो इधर बहुत खुश था, जोश एकदम भरपूर था, अंदर चल रही थी डीबीएस, फट भले ही रही थी लेकिन घुस गए। अब इनको नॉक तो कर दिया था, बट ये अंदर घुस गए थे और इनका टीममेट कर रहा था नीचे कैंप। फुटेज काटूंगा इधर, क्योंकि भाई बहुत लंबा मैं छत पे बैठा था। अब ये बंदा तो ऐसा शर्मा रहा है जैसे नई नवेली दुल्हन, मुखड़ा ही नहीं दिखा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इधर हमने काट दी फुटेज। फिर डाला अंदर एक मौली, क्योंकि जो बंदे को नॉक करा था फिनिश भी तो मैं ही करूंगा ना। अब बारी थी नीचे वाले की, मैं थोड़ा इधर टीपीपी लेने की कोशिश कर रहा था नीचे से, हल्लू सा बंदा दिखा लेकिन एंगल बन नहीं रहा था। अब जब एंगल ना बने ना, तो काम आते हैं मॉली और ग्रेनेड, क्योंकि ये भाई साहब गेंद की तरह बाउंस करते हैं। तो हमने कुक करा एक नेड, वो बंदा आया करीब, पहले तो लगा था ये नेड हम ही को ले जाएगा, लेकिन निकला वफादार, इन्हीं को ही भर के गया। अब बारी थी बाकी लोगों की, क्योंकि जब मैं इसे फिनिश कर रहा था काफी सारी गन फायर हो रही थी, तो इसका मतलब है ढेर सारे किल्स हैं जो कि इंतजार में है मेरे। अब थोड़ी सी दर फट गई थी तो अपन भाग लिए, क्योंकि अगर वो लोग हमको घेर के मारते तो भागे रास्ता नहीं मिलता। तो इससे पहले कि भीगी बिल्ली बन जाऊ, मैंने सोचा कैंप ही कर लेते, तो मैं उड़ के आ गया ऊपर, और नीचे स्मोक देख के मैं समझ गया भैया भरवा माल है इधर। अब देखो तुम बाइजन का कमाल, लोग M4 और DP की तारीफ करते हैं, इसकी तो कोई बात ही नहीं करता। पहला नॉक निकला, दूसरा भी निकला, तीसरा बंदा पिटा हुआ था, उसकी फटी पड़ी थी, लेकिन टीममेट्स को बचाना भी तो था, सच्चा पक्का असली दोस्त है वो। और ऐसे ही दोस्तों की तलाश हमको रहती है, लेकिन इनका चौथा बंदा पता नहीं कहां फरारी काटे था। वेल जो भी हो, दोस्ती बड़ी कुत्ती चीज है, घेर के लाएगी उसे।
अब माना कि कैंपर का ठप्पा लग चुका है हमारे ऊपर, लेकिन 4 किल भी तो मिल गए हैं, मेरे को वही सही लगता है। अभी तक किल्स मिले नहीं थे, पहले इनको फिनिश करना था और इन्होंने तो पहले ही उम्मीद छोड़ दी थी। तो ये 4 किल आसानी से जेब के अंदर, 15 किल हो चुके हैं, मतलब कि अब सिर्फ 25 किल्स और चाहिए। अब मैं फटाफट से ऊपर आया तो आसमान में जो नज़ारा दिखा वो देख के मेरे जबड़े पे मुस्कान आ गई। अब अपना टेढ़ा जबड़ा लेके मैंने इसको ऊपर पुश कर दिया, ये नहीं सोचा कि उसके पास उजी होगी। धलिया भाई ने बीच हवा में, अब बेइज्जती तो हुई थी लेकिन हार के जीतने वाले को फार ऑफ कहते हैं। तुम वापस से वहीं गए अपनी बेइज्जती का बदला लेने। उतरते ही एक कैंपर को बचाया जो कि गिर के ही नॉक हो गया। तभी उसका एक लंगूर फ्रेंड मिला जिसको मैंने अंगूर बना दिया। अब 2 बंदे नॉक थे और 2 पगलाए घूम रहे थे कि आसमान से क्या बला टपक गई। अब यहां पर तीसरा भी गया। अब आखिरी जो बच रहा था वो तो सुधबुत खो दिया था अपनी। अब पता नहीं कहां छुप के बैठ रहा था लेकिन ये पागल ज़ॉम्बी मेरे पीछे पड़ गया था। एक एक करके मैंने अपने सारे किल फिनिश कर लिए। लेकिन अभी यहां अगर तुमको लग रहा है कि बंदे खत्म हो गए तो ये फायरिंग सुनो। अब ये फायरिंग सुनते ही मेरे जबड़े पे फिर से मुस्कान आई कि और किल्स मिलेंगे, तो मैंने फिर से वही किया कैंपिंग। अब इसको भरते ही एक बात तो पता लग गई कि ये जो जगह है इस पे तुम्हारा कब्जा हो चुका है फारूक भाई। अब एक काम करो, निकल लो। अब किसी भली स्क्वाड की गाड़ी भाड़े पे लेके हम निकले बंदों को ढूंढने के लिए। और हमारी तलाश खत्म हुई यहीं पर ही, क्योंकि यहां पर हमको दिख गई एक US। अब US है तो बंदा भी होगा, ये नहीं पता था बंदा हमारे करीब होगा। अब फुटस्टेप तो आ गए थे तो कुक किया हमने ग्रेनेड, डाला अंदर बट बंदा भग गया। अब एबिलिटी का इस्तेमाल तुम करोगे तो हम भी करेंगे। तो हम आ गए भैया सीधा छत के ऊपर। अब बंदा था हमारे नीचे और हम थे उसके ऊपर। प्रॉब्लम ये थी कि फुटस्टेप आ रहे थे गलत। अब फुटस्टेप ऐसे जैसे बंदा हमारे सर पे हो, बट सर पे तो हमारे 40 किल का भूत था। तो हमने इसको भी धर लिया। 20 किल तो यहीं हो गए थे, लेकिन तभी हमारी नज़र ऊपर गई, बचे थे 18 बंदे। हमने कहा हाय रे 40 किल तो अब हो नहीं पाएंगे, लेकिन 30 किल तो हम करके जाएंगे। तो हमने भरवाया करीब सही तेल, और तेल बहुत महंगा है तो बूंद बूंद इसकी वसूलेंगे। भगाई हमने अपनी गाड़ी फुल रफ्तार में। अब गाड़ी भगाते भगाते हम आए एक नाले के पास, और इस नाले के पास आके हमने सीखा कि भसड़ क्या होती है। जब हम यहाँ पहुँचे तो आगे वाले नाले पे फुल फाइट चल रही थी 4v4, और हम पहुँचे तो वहाँ थर्ड पार्टी करने अकेले। अब देखते हैं क्या उखाड़ पाते हैं। अब देख तो हम लिए गए थे, लेकिन वो बात अलग है कि देख हमने भी लिया था। अब इधर पता नहीं किसकी किल अंदर करी, लेकिन मुझे इतना पता था कि वहां फायरिंग अभी भी हो रही है, तो फायदा इसी में है अगर मैं गाड़ी लेके आगे चला जाऊं। अब जब अपन इधर पहुंचे तो थोड़ा सा लेट हो चुका था, माहौल ठंडा हो चुका था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किल्स मिलेंगे नहीं। किल्स तो मिलेंगे क्योंकि यहां पर आए हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। सबसे पहले इस कैंपर को धरा, गिली सूट पहन के अपने आप को ये पेड़ समझ रहे थे, चुपचाप एक जगह खड़े हुए थे, तो हमने भी पेड़ समझ के इनके फल तोड़ लिए। छी भाई क्या बोल रहे थे। अब पास्ट में जो हमने बोला है वो भूल जाओ, सामने बंदा है जिसको हम खा गए। अब यहां पर हमको पता चला कि असल में यहां तिकड़ी थी, 3 स्क्वाड्स थे और इनका आखिरी बंदा बच रहा था। तो यहां पर हमने दिमाग लगाया, हमको पता था जोन में तो उसको आना है, इधर से वो आएगा नहीं क्योंकि उसको पता है फायर ऑफ नाम की बला उसका इंतजार करेगी, वो नदी क्रॉस करके जाएगा। पर आजकल एबिलिटी आने के बाद तो हर कोई 9 सिक्या नदी पार कर लेता है। तो हमने गाड़ी अपनी पहली पोजीशन पे लगा दी और जैसा हमने सोचा था एग्जैक्ट वैसे ही हुआ। इन भाई साहब ने लगाया दिमाग, नदी क्रॉस करके आए, लेकिन इनको क्या पता था मैं पहले ही पहुंच चुका हूं। सबसे पहले तो एक गाड़ी आई, गाड़ी के पीछे एक बंदा आया, हमने गाड़ी वाले को जाने दिया, बंदे को धर लिया।
अब मुझे नहीं पता किसने किस हाथी से ट्रेनिंग ली थी, 100 गोलियां मार दी फिर भी नॉक नहीं हुआ। वेल, हमारी हजामत जरूर हो गई थी। अब इससे पहले कि हमारी पिटाई हो जाती, हम भाग के आ गए इस कंपाउंड पे। जब यहाँ आए तब पता चला यहाँ तो अलग ही मामला चल रहा है। हम तो छत पे आए थे सुपरमैन की तरह, लेकिन तभी फुटस्टेप आई आगे वाले घर से। अब इस फुटस्टेप वाले का हम कुछ करते, इससे पहले यहाँ पर एक गाड़ी आ गई। अब हमको लगा था ये अलग अलग टीम के दो अलग अलग बंदे हैं, बट इनके बीच तो जुगलबंदी निकली। अब जो भी हो, हमने एक को धर लिया। अब इसको बचाने के चक्कर में पूरी स्क्वाड धरूंगा। दो दिख रहे थे, एक जब तक प्रोन होता दूसरे को नॉक फिनिश ही कर दिया। एक नॉक पड़ा था जिसको भी भर दिया। अब दो ही बंदे बच रहे थे जो कि भागे भागे फिर रहे थे। इधर थोड़ी गोली और होती तो ये स्नाइपर का हम गोला बना देते, लेकिन जो भी हो अब सिर्फ ही MG3 में गोलियां, तो मतलब क्लोज में घुसना ही पड़ेगा। अब किल फील्ड में फमाज देगी तो लगा इस बंदे के चरण छू लूं, बट इतनी दूर ना मेरे हाथ जाएंगे ना उसके चरण आएंगे, तो हमने कहा जो करीब में है उन्हीं के छू लेते हैं चरण। पर हमें ये नहीं पता था कि इनको हमारे ही चरण छूने हैं, लेटे हुए थे भाई पहले से। हमको ये चीज पसंद नहीं आई, बड़ों का सम्मान हम करते हैं, तो हमने इनको छोड़ दिया क्योंकि इनका टीममेट आ गया था इनको बचाने या फिर पेटी बनाने अपनी खुद की। इनको भी धरा और भग लिए क्योंकि लूट चाहिए थी, लूट थी नहीं और पहाड़ी पे थे बंदे। फिलहाल लूटने के बाद हमने उठाई गाड़ी, तो वही उधार ली हुई, अभी तक उधारी पे ही चल रहे हैं। लेकिन क्या करें, चिकन डिनर निकल गया तो शायद तुम लोग लाइक करके हमारी उधारी खत्म करा दो। तभी सामने हमारी एक और मुलाकात हुई हमारे दूसरे दुश्मनों से। एक को तो धर लिया था, दूसरा पेड़ के पीछे छुप रहा था, उसकी पहले ही से पट्टी पड़ी थी। हम करीब पहुंच गए और फाड़ने। अब MG3 की आवाज सुन के इसको तो पहले ही हार्ट फेल आ गया था, लेकिन कोई बात नहीं, हमने इनको मुक्ति दे दी। अब पता था कि बहुत सारे बंदों को बहुत गलत तरीके से मारा है, तो रिपोर्ट तो पढ़नी ही है। तो इससे पहले कि रिपोर्ट पढ़े, हमने सोचा मैच खत्म कर देते हैं। बट इन्होंने तो हमारा ही मैच खत्म कर दिया, हमारे लिए बैठे थे दोनों इधर।